पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। संत तुकाराम और उनकी पत्नी पर दिए बयान के बाद विवादों में घिरे। संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यू टर्न ले लिया है और सफाई देते हुए माफी मांगी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री यह कहते हुए दिखे कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी और अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले में मंगलवार को कहा कि संत तुकाराम एक महान संत थे और हमारे आदर्श हैं। हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर भाव प्रस्तुत किए थे कि वो थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। करने वाली कहानी हमने पढ़ी थी। संत तुकाराम को लेकर हमने एक किताब में पढ़ा था कि उनकी पत्नी उन्हें गन्ना लेने भेजती हैं, फिर एक गन्ने से उनकी पिटाई के चलते दो टुकड़े हो गए। तो इसे मैंने अपने भाव से समझाया। मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक वीडियो में बयान देते हुए यह भी कहा कि वो संत तुकाराम को अपना आदर्श मानते हैं।